लाल की जय जय। नंद बाबा मथुरा से गोकुल पहुंचे, बहुत ध्यान से सुनना। पूतना का विशाल शरीर पड़ा हुआ है, तमाम पेड़ पौधे वृक्ष इसके नीचे आकर के जो टूट गए थे ना, इसके शरीर के ऊपर डाले और आग लगा दी गई। जब आग लगाई तो आचार्य सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, गजब की सुगंधि निकली ना इसके शरीर जलने से। शरीर जल रहा है, क्या दिव्य सुगंधि निकल रही है। क्यों, इसके शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए थी, तो राक्षसनी है। यहां पे तो आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आश्चर्य ये नहीं है कि इसके शरीर से सुगंधी निकल रही है, आश्चर्य तो ये है कि जो पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी ना, उस पूतना को भगवान ने जो गति अपनी माँ यशोदा को बाद में देनी है, जो गति अपनी माँ देवकी को बाद में देनी है, माँ की गति भगवान ने वो माँ की गति पूतना को दे दिया है। क्यों, इस पूतना पर भगवान ने ऐसा कौन सा गुण देखा? यहाँ कथा में कहा जा रहा है, महाराज भगवान को रिझाने के लिए कीर्तन गाओ, पूजन करो, पाठ करो, कुछ कर्म करो भगवान। इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है, या इसने ऐसा कौन सा गुण देखा भगवान ने इसमें कि इसके ऊपर रीझ गए, माँ की गति दे दी। ये पूतना कौन थी आपको पता है? ये जो पूतना थी ना, ये राजा बलि की बहन थी पूर्व जन्म में। जब वामन भगवान राजा बलि के यहां मांगने के लिए गए थे ना तीनों लोगों को, तो वामन भगवान के सौंदर्य को राजा बलि की इस बहन ने देखा, इतनी मोहित हुई आहा, ये ब्राह्मण कितना सुंदर है, कितना सुंदर ब्राह्मण, इतने छोटे से हैं वामन भगवान। अच्छा भाव जागा कि अगर ये ब्राह्मण मेरा बेटा होता ना, ये मेरा बेटा होता तो मैं इसको दूध पिला दे, अपनी छाती से लगा दे, ये भाव जागा। लेकिन जब वामन भगवान ने राजा बलि का संकल्प करके सर्वस्व छीन लिया तो इसके मन में भाव जागा, अगर ऐसा मेरा बेटा होता तो मैं जहर देके मार देता। अब भगवान देखो कि भगवान की करुणा कृपा देखिए साहब, भगवान को देख करके भाव जाग रहा है कि मेरा होता तो मैं दूध पिलाती, और ऐसा होता तो जहर पिला देती। भगवान ने दोनों भाव पूरे किए हैं। कोई भी भक्त क्यों ना हो, भगवान के प्रति कोई भी भावना क्यों ना हो, अरे भगवान के प्रति छोड़ो संसार के प्रति भी, संसार के प्रति भी कोई भावना क्यों ना हो, ये निश्चित है कि पूरा होगा। थोड़ा समय लग जाएगा भले ही, लेकिन होगा पूरा। इसीलिए बड़े बड़े सिद्ध संत जो भगवान की माया को थोड़ा थोड़ा, वैसे समझना तो बड़ा कठिन है, भगवान की माया को समझ पाना बड़ा कठिन, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा समझ जाते हैं कीर्तन के माध्यम से, कथा के माध्यम से, पूजा पाठ जैसे तैसे, जिनका मन थोड़ा समझ जाता है वो सावधान हो जाते हैं, भगवान से मांगते ही नहीं है। क्योंकि क्या होता है, हम लोग बहुत संकीर्ण विचारधारा के लोग हैं, हमारी सोचें बहुत छोटी है साहब। हमने अपने आंगन में चार बाउंड्री करके, चार दीवारें करके और कह दिया कि मेरा घर है, यहीं पे हम संकीर्ण हो चुके हैं, यहीं पर हम क्या हो चुके हैं, संकीर्ण विचारधारा के हो चुके हैं।
जहाँ हमने छोटे को छोटा समझना और बड़े को बड़ा समझना और स्त्री पुरुष हर प्रकार के भेद का हमारे तो विचारधारा ही संकीर्ण हो चुकी है। लेकिन जो थोड़ा सिद्ध हो गया, जो वास्तविकता में गा नहीं रहा है, जिसके अंदर से निकल रहा है मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं है पराया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं है पराया। हमारे यहां सिद्ध संत गाते हैं, एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता, ना जाने किस मूरख ने है लड़ना हमें सिखाया, ना जाने किस मूरख ने है लड़ना हमें सिखाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं है पराया, एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता, और दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। बंधुओं, जो केवल गा नहीं रहा है अनुभव भी कर रहा है, जो संसार को समझ पा रहा है वो सावधान हो जाता है कि मांगो मत, मांगने में क्या मांगूंगा कि भैया ये प्रभु ठीक रहूं स्वस्थ रहूं और मेरा घर परिवार बढ़िया चले, ये सब गौण है, ये तो बिना मांगे पशु पक्षियों का भी बहुत बढ़िया चलता है, ये तो बिना मांगे उनका भी बहुत बढ़िया चलता है, उनके लिए भी परमात्मा ने व्यवस्थाएं बनाई, ये तो उसकी जिम्मेवारी है कि वो व्यवस्था बनाएगा कैसे ना कैसे, ये तो उनकी जिम्मेवारी है। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देगा वो, जिस मालिक ने जन्म दिया अन्न वस्त्र भी देगा वो, जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देगा वो, जिस आप भी गाओ मेरे साथ सभी, हाँ जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देगा वो, जिस मालिक ने जन्म दिया, हाँ सिर ढकने को छत देगा खबर हमारी लेगा, सिर ढकने को छत देगा खबर हमारी लेगा, हाँ सिर ढकने को छत देगा खबर हमारी लेगा, सिर ढकने को छत देगा खबर हमारी लेगा। भजन करो निश्चिंत हो चिंता, भजन करो निश्चिंत हो चिंता, छोड़ो रोटी दाल की, छोड़ो रोटी दाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बंधुओं, चिंता की आवश्यकता नहीं है, वो उसकी जिम्मेवारी बनती है, जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देगा वो, सिर ढकने को छत देवेगा खबर हमारी लेवेगा। भजन करो निश्चिंत हो चिंता, छोड़ो रोटी दाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की, बोलो जय श्री कृष्ण। बंधुओं, हमारा आपका तो परिवार है,
हमें तो केवल एक बीज बोना है भक्ति का, बढ़िया सेवा हो जाएगी परिवार में। बेटा पुत्र अगर लायक बना दिया, धार्मिक बना दिया, तो बुढ़ापे में वो सेवा कर जाएगा। अब पुत्र नालायक है ना, तो महाराज किसी दिन जहर दे के खुद ही मार देगा। बोलो जय श्री कृष्ण। नालायक सोचता कि कब मरे बुढ़ा, कब निकले भैया, ये भी बोझ बना हुआ है। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे यहाँ एक संत हुए थे, अभी आप सब जानते हैं, रसिका पागल जी, आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे कीर्तन भी आपने सुने होंगे, टीवी में लाइव आया करते थे, रसिका पागल जी। अभी करीबन 10-15 दिन हो रहे हैं, 15-20 दिन उनका शरीर शांत हुआ। बंधुओं हमारे कितने संत हुए हैं, हमें भाग्यवश मैंने एक वीडियो देखी उनके अंतिम समय की, अंतिम समय की एक वीडियो देखी, मैं हैरान रह गया। अभी लाइव चल रही थी फेसबुक पे, मैंने देखा, ऐसी नजर पड़ी, तो उनके कितने शिष्य उनके अंतिम समय में उनके पास बैठे हुए, ढोलक चिमटा झांझ मजीरा लेकर के उनकी अंतिम सांसें चल रही हैं। कोई चरण दबा रहा है, कोई सर की मालिश कर रहा है, कोई हाथों में हाथ लेकर के हाथ की मालिश कर रहा है। अरे जिसके 10-10 बेटे हैं उसको भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा है कि अंत में खटिया में लेटा हो और भगवान का मंगलमय कीर्तन गाया जा रहा हो और चरणों में बैठ करके बेटा चरण सेवा दे रहा हो। लेकिन जिसने भगवान को समर्पण किया है, न उसकी पत्नी हो, न उसके बच्चे हो, कोई भी ना हो, महाराज गोविंद ही उसके साथ निरंतर है और गोविंद की प्रेरणा से हजारों उसके साथ खड़े हैं, गोविंद की प्रेरणा से हजारों उसके साथ खड़े हैं। एक बार विश्वास करके उसकी राह पे चल के तो देखो। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन इस पूतना में ऐसा कौन सा गुण देखा? चलो ये तो इसकी पूर्व जन्म की भावना है कि मैंने इनको दूध पिलाना था और जहर दे के मारना था, इसलिए पूतना बनी और इसको ये अवसर प्राप्त हो चुका है। इसने दूध भी पिलाया और जहर भी पिलाया भगवान को, इसने हलाहल कालकूट नामक विष भी पिला लिया, दूध भी पिला लिया, लेकिन भगवान रीझ कैसे गए, मां की गति दे दी, ऐसा कौन सा गुण देखा मेरे गोविंद ने? किसी किसी का नाम अच्छा हो तो भगवान नाम पर रीझ जाए, इसका नाम है पूतना। किसी का नाम सुना कभी आपने पूतना? कोई रखे अपने बच्चों का नाम कभी पूतना? नाम ही अच्छा नहीं है ना, काम अच्छा, बच्चों को मारना, उनका खून पीना, ना खान पान अच्छा, ना खानदान अच्छा, राक्षसी, ना नाम अच्छा, ना काम अच्छा, ना खानदान अच्छा, ना खान पान अच्छा, और ना तो भावना अच्छी। भावना क्या थी कि भगवान को मारने की भावना से जा रही है। हम लोग सुबह माखन मिश्री लेके आए, उनको भोग लगाएं, दिया जलाएं, आरती करें, ये मारने की भावना से आ रही है, जहर दे के मारूंगी। अच्छी भावना है कोई मारने की? भावना भी अच्छी नहीं है। लेकिन जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वा पसद्गतिं पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासनः। जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वा पसद्गतिं। ना तो नाम अच्छा, ना काम अच्छा, ना खान पान अच्छा, ना खानदान अच्छा, ना भावना ही अच्छी, लेकिन भगवान फिर भी सोचते हैं कि जैसे न तैसे जीव मेरे निकट आ गया है, जैसे न तैसे, और कोई भी गुण ना हो। अरे क्या हुआ तो बेमन के बैठे हुए कथा में, कोई बात नहीं, अरे बेमन के हाथ में माला ली है, राम राम कर रहे हैं, तो क्या हुआ? वो भगवान इतना करुणावान है, इतना दयालु है कि जीव जैसे ना तैसे किसी संत के सहारे, किसी ब्राह्मण के सहारे, कथा के सहारे, जप के सहारे, कीर्तन के सहारे, कैसे ना कैसे उसके नजदीक थोड़ा पहुंच जाए ना, तो फिर हमारे अवगुणों को देखता ही नहीं है, हमारे अवगुणों में ही कोई गुण बना करके हमारा उद्धार कर देता। मां की गति,
अरे भले इसका नाम अच्छा नहीं है, भले इसका काम खानदान अच्छा नहीं, खान पान अच्छा नहीं, भावना अच्छी नहीं, लेकिन आज इसने काम किया एक माँ का, दूध पिलाने का काम एक माँ करती है, माँ का काम किया है, तो स्तनम दत्वा पसत गतिम, भगवान ने इसको माँ की ही गति दे दी। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो दीन द्रवही की नाही, मेरे श्याम सरिस को नाही। ऐसा उदार संसार में दूसरा और कौन होगा, जो मारने की भावना से आई हुई पूतना को भी अपनी माँ की गति दे दे। बोलो जय श्री कृष्ण। बंधुओं, ऐसा उदार संसार में और कोई नहीं होगा। आजकल तो किसी को यूं देख लो ना, ऐसे थोड़ी देर, ओए ऐसे क्या घूर रहा है, ऐसे क्या देख रहा है। महाराज सहनशीलता इतनी खत्म हो चुकी है, इतनी खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। यहां भगवान की करुणा कृपा तो देखो, अगर किसी के पास 1,000 बीघे जमीन हो, बढ़िया दो इंपॉर्टेंट गाड़ियां खड़ी हो आंगन में, और कोई 5 मंजिला भवन हो सुंदर सा, हमारा सीधे मुंह बात ना करे किसी से चलते चलते, और जगत का मालिक उसको मारने की भावना से एक स्त्री जा रही है, एक राक्षसनी जा रही है, और उसको माँ की गति दे रहे हैं, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते। यार एक बार कभी विचार करना भगवान के विषय में, इन लीलाओं को श्रवण करते हुए। वो जगत का मालिक कभी अर्जुन का रथ हांक रहा है, कभी नंगे पांव भिलनी सबरी की कुटिया में जाके उसके झूठे बेर खा रहा है, वो कितना आनंद ले रहा है माँ यशोदा के आंगन में, पुदक पुदक करके भगवान हाथ में माखन रोटी लेकर के क्या लीला कर रहे हैं। कभी नंद बाबा के कांधे पर, अच्छा भगवान के मित्र थे ना, जो भगवान के मित्र, वो भगवान को कहे चलो कन्हैया घोड़ा बनो, और भगवान को घोड़ा बनाए, अब भगवान के ऊपर पीठ में बैठ गए, अब भगवान भी उनको लेकर के घोड़े बन करके चल रहे थे। अच्छा भगवान को इसके अतिरिक्त और कुछ चाहिए भी नहीं, केवल प्रेम। बोलो जय श्री कृष्ण। आप जो प्रेम अपने पुत्र से करते हैं, भाई से करते हैं, जो प्रेम आप संसार से कर रहे हैं, वो ही लगाओ, वो ही प्रेम भगवान के चरणों में हो जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। और जय श्री कृष्ण ऐसे बोलना कि पड़ोसी की नींद ना खुल जाए, बट बहुत मुश्किल से नींद आ रखी है ना। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान को भजने का एक सरल साधन है कि भगवान से कोई रिश्ता बना लो अपना, सरल साधन। जैसे बाबूजी बाहर से आ रहे हैं और अपने बेटे के लिए कह रहे हैं, अरे रामदास दिखाई नहीं दे रहा है या श्यामलाल दिखाई नहीं दे रहा है, बाहर से आते ही पत्नी को पूछते हैं कि हाँ बेटा कहाँ है, बेटी कहाँ है। ऐसे ही भगवान से रिश्ता होगा ना, तो बाहर से आएंगे तो हम बताऊं घर में जाकर क्या पूछेंगे, अरे तुमने मेरे कन्हैया को भोग लगाया कि नहीं, कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं, हाँ उन्होंने भोग लगा दिया, हाँ उन्होंने वो सो गए थे, हाँ उन्होंने वस्त्र पहन दिए हैं। अब प्रत्येक क्षण जब ऐसी भक्ति हमारे मन में आएगी ना, तो भगवान से एक संबंध ही बन जाएगा। महाराज एक दिन भोग न लगाओ ना, आपका मन दिन भर बेचैन रहेगा, ऐसा संबंध बन जाएगा भगवान से। बोलो जय श्री कृष्ण। दिमाग में वही घूमता रहेगा, लेकिन धीरे धीरे भगवान से संबंध बना लो। किसी की माँ नहीं है तो माँ बना लो, भाई नहीं भाई बना, ऐसा संबंध बना लो भगवान से। और यही संबंध प्राप्त करने के लिए भगवान आते हैं और लीला करते हैं, फिर यही संबंध प्राप्ति के लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। अन्यत्र क्या है, विश्वामित्र जी ने सोचा, एक चक्रवर्ती सम्राट महाराज विश्वामित्र जी राजा हुआ करते थे, उन्होंने देखा वशिष्ठ जी के पास काम धेनु गाय थी, अरे महात्मा के पास इतना सुंदरी काम धेनु गाय, जो मांगो गाय गौ माता प्रकट कर दे रही है। अच्छा एक बार विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से वो काम धेनु गाय मांगी,
ये गौ आप मुझे दे दो। राजा ने मांगा ब्राह्मण से, तो वशिष्ठ जी ने कहा क्षमा करना प्रभु, आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय को कभी ब्राह्मण से मांगना नहीं चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण, सारी मर्यादाएं भंग हो जाती है। ब्राह्मण से ब्राह्मण का धन क्षत्रिय को कभी नहीं मांगना चाहिए। तो विश्वामित्र जी के मन में हो यार मुझे भी ब्राह्मण बनना है। उन्होंने क्षत्रियपन त्यागने के लिए 60,000 वर्ष तक तप किया, भले ही क्षत्रियपन उनका गया नहीं, ब्राह्मण फिर भी नहीं बन पाए, लेकिन फिर भी ऋषि तो बन गए, महात्मा बन गए। विशुद्ध ब्राह्मण वही है जो केवल जन्म से जाति मात्र ब्राह्मण हो। विशुद्ध एक शुद्ध ब्राह्मणी और शुद्ध ब्राह्मण से जिसका जन्म हुआ हो विशुद्ध ब्राह्मण वही हो सकता है। बाकी संत तो कोई भी हो सकता है, संत कोई भी हो सकता है, लेकिन हमारे यहां जनेऊ संस्कार से लेकर के और मुंडन संस्कार इत्यादि सब जब जनेऊ संस्कार के साथ करवाते हैं और हमारे विद्यालयों में जो संस्कृत विद्यालय है वहां ब्राह्मण बालकों को पढ़ाया जाता है। वेद का अधिकार ब्राह्मण बालकों को दिया गया है। बंधुओं, ब्रह्मम जानाति यः स ब्राह्मणः, ब्राह्मण में बहुत गुण होने चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य भगवान का उदर है और शूद्र भगवान के चरण हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। उस विराट पुरुष के ये अंग हैं और ये सुंदरता भी है, ये सुंदरता भी है। बंधुओं, आज की परिस्थिति में सारा माहौल ही खराब हो गया है। ना तो ब्राह्मणों में वो ब्राह्मणत्व तो दिखाई दे रहा है, ना ब्राह्मणों में वो गुण नजर आ रहा है। और मैं तो कह रहा हूं आज समाज खराब करने में कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का बहुत बड़ा हाथ है। समाज खराब करने में ब्राह्मणों का बहुत बड़ा हाथ भी है, मैं स्पष्ट कह रहा हूं व्यासपीठ से। और समाज को बचाने में ब्राह्मणों का ही हाथ है। ब्राह्मण क्या है? मार्गदर्शक है, समाज का मार्गदर्शक एक मुख है ब्राह्मण। ब्राह्मण ने विद्यालय में विद्या अर्चन की होगी, किसी गुरु की शरण में रह करके अध्ययन किया होगा, तो वो समाज का मार्गदर्शन कर लेगा। लेकिन केवल चोटी छोड़ दी और जनेऊ पहन दिया और पोथी लेकर के चल दिए, वो क्या करेगा? समाज को खराब करेगा। उसको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी तो है नहीं, है ना? उसको ये पता नहीं कि चौकी में नवग्रह कहाँ होंगे, षोडश मातृका कहाँ होंगी, उसका क्या महत्व है, उसको कुछ पता नहीं। जैसे एक भगत जी कल बता रहे थे, महाराज जी आप कल व्यास पीठ से कितना सुंदर बता रहे थे कि मरने के बाद सबको कैसे ले जाते हैं, कैसी उसकी क्रियाएं होती, यहाँ तो कुछ होता ही नहीं ऐसे की। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे इसमें आपकी भी गलती है, आप हिंदू हैं, जानकारी लीजिए। आपके घर में जो ब्राह्मण आया है उससे प्रश्न कीजिए कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस संख्या में कर रहे हो। बोलो जय श्री कृष्ण। ये कोई बिजनेस थोड़ी नहीं है, कोई धंधा थोड़ी नहीं है कि महाराज पेट पालना है इससे। अरे पेट पालने के तो और भी साधन है। हम जो कार्य कर रहे हैं ये बड़ा जिम्मेवारी का काम है, हम जो कार्य कर रहे हैं बड़े जिम्मेवारी का काम है। बंधुओं, ब्राह्मण वही श्रेष्ठ है जो जानकार हो पूजा पाठ के लिए। घर में कोई पूजा पाठ करा रहे हैं, जानकार ब्राह्मण होना चाहिए। अरे कुछ ना कुछ जिस कार्य को हम करा रहे हैं उसका उसको क्या हो, अच्छे तरीके से जानकारी हो। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं चाहे बुरा मानना आप कोई बात नहीं, मुझे परसों बहुत बुरा लगा
वो पंडित जी थैले में पत्रा लेकर के घूम रहे थे, है ना, एक पत्रा सा बना रखा फोटो स्टेट, उसी फोटो स्टेट की तुम्हारे यहाँ भी पूजा, उसी फोटो स्टेट की तुम्हारे यहाँ भी पूजा, उसी को थैले में रखा फिर घर ले गए। क्या ब्राह्मण के पास इतना समय भी नहीं है कि यजमान के घर में आधा घंटा पहले जाए, चौकी मांगे, कम से कम गणेश जी बनाए, नवग्रह बनाए, एक वो इतना भी समय नहीं है, वही फोटो स्टेट, फोटो स्टेट तो विजय भैया भी लेके घूम सकते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। जो कार्य है वो करना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, बोलो जय श्री कृष्ण, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, है? आप खेत में गन्ना बो रहे हैं, बिना जानकारी के बोओगे तो सारा गड़बड़ा जाएगा मामला। आप खेती का कार्य करें, जिसका काम उसको साझे, लेकिन जानकारी तो हो, अनाड़ी जाएगा महाराज। अगर किसी अनाड़ी केवट की नौका में बैठ गए ना, और कहीं तूफान में फंस गए, खुद तो डूबेगा, हमें भी ले डूबेगा, इसलिए जानकार। आपका अधिकार है पूर्ण रूप से कि कोई ब्राह्मण आता है, खूब प्रश्न करो, जानकारी लो, पहले खुद भी जानकारी लो, खूब गीता का अध्ययन करो, रामचरितमानस का बढ़िया अध्ययन करो, कर्मकांड का भी पता होना चाहिए। आप अगर सूर्य के निमित्त जप करवा रहे हैं तो आपको खुद पता होना चाहिए कि सूर्य के कितने जप होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। आप कोई पाठ करवा रहे हैं, उस पाठ के विषय में आपको भी जानकारी होनी चाहिए, ये पाठ क्या है, इसमें कितने श्लोकों का पाठ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। अपनी तो ब्राह्मण ने किताब खोली हुई, क्या पता लग रहा क्या पढ़ रहा क्या नहीं पढ़ रहा, हमें क्या पता, लेकिन जानकारी होगी तो हम उसी ब्राह्मण को बुलाएंगे जो ब्राह्मण करके जाएगा। हमें पता है कि भैया निष्ठावान जानकार व्यक्ति है, संकल्प लेने के बाद छोड़ेगा नहीं, करेगा काम। अब जिसे पता ही नहीं है, बोलो जय श्री कृष्ण। तो ब्राह्मण भगवान का मुख है, भगवान के विषय में जानकारी ब्राह्मण का, वो ब्राह्मण मुख ही देगा। यदि समाज में ब्राह्मण न होता तो आज किसी को पता ही ना होता कि कौन राम है और कौन कृष्ण है। इसलिए भगवान भागवत में कह रहे हैं, जब सुदामा जी आए ना भगवान के पास, तो सुदामा जी के चरण धो करके भगवान इस बात को कह रहे हैं कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम नाम राम। भगवान कह रहे मेरा नाम अगर राम है तो ये ब्राह्मणों की बदौलत, अगर ब्राह्मण ही ना होता, वो जात कर्म संस्कार करके राम नाम ना रखता तो मेरा नाम किसको क्या पता कि राम भी है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो बंधुओं, आप लोग भी खूब जानकार बने और जाया करो, खूब सुना करो और खूब पढ़ा करो। और मैं ये नहीं कह रहा संस्कृत पढ़ो, हिंदी में पढ़ा करो, आप लोग को भागवत घर में रखा करो, गीता रखा करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो, जहां पे समझ ना आए किसी महापुरुष से पूछ लो ऐसा क्यों लिखा हुआ है, इसका क्या महत्व है, है ना। बंधुओं, संस्कार जब जागेंगे और संस्कारों का पता होगा तो हमारे घर में जब हम क्रिया करेंगे, कोई भी क्रियाएं, कोई भी पूजा पाठ कर्मकांड कुछ भी करेंगे, उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होगा। जब उस विषय में क्या होगी, जानकारी होगी, जानकारी होगी तो हम जानकारी से बढ़िया ढंग से उसको करवा पाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। ये आप लोगों की भी क्या बनती है, जिम्मेवारी बनती है। मुझे अच्छा लगा, मुझे पूछते रहते हैं कि महाराज जी क्या होगा इस पूजा से, मैं समझाता, जब मैं पूजा कराता हूँ सुबह तो आप लोगों को समझा देता हूँ कि भगवान का हम इस प्रकार से पाद्य धुला रहे हैं, इस प्रकार से कर्म कांड का षोडश उपचार का ही विधान है, पंचोपचार का ऐसा विधान है, है ना। कर्म कांड बिना विधान के नहीं चलता है, उसमें एक विधान होता है साहब। हाँ, कीर्तन स्वतंत्र है, कीर्तन चाहे तुम राग में गाओ, बेरागा गाओ, बेसुरा गाओ, कोई बात नहीं, कीर्तन कीर्तन है, भगवान का नाम कैसे भी लो। इसमें तो अनुराग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अनुराग। चाहे आप बाथरूम में नहाते नहाते गा रहे हो ना, कैसे भी गा रहे हो,
भाव होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए। बाकी संगीत की अपनी एक मान्यता है, संगीत से परमात्मा प्राप्त होते हैं। विशुद्ध संगीत भी भगवान की राह की ओर ले जाता है, भगवान की प्राप्ति करवाता है। लेकिन वो संगीत में अगर अनुराग ना हो तो उसे केवल संसार रीझ सकता है, भगवान नहीं रीझ सकते। अगर संगीत में भी अनुराग ना हो, बोलो जय श्री कृष्ण। तो बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण की करुणा कृपा पूतना पर हो रही है कि उसको मां की गति प्रदान कर रहे हैं, और स्तनम दत्त्वा पसत गतिम, इसमें कोई गुण भी नहीं है। लेकिन जैसे तैसे भगवान के क्या चली गई है, नजदीक चली गई, भगवान के पास चली गई है। तो किसी भी मार्ग से कथा सुनते सुनते सही, नाम लेते लेते सही, अरे सुंदर भावना के साथ हम भगवान के नजदीक पहुंच जाएं, तो स्तनम दत्त्वा पसत गतिम। मैं बहुत हैरान होता हूँ विजय भैया, कई बार भजन करना चाहिए। वृंदावन में हमारे गुरु जी हैं श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर जी महाराज, आपने नाम सुना होगा। तो मैं बड़ी अनुभव करता हूँ कृपा का, इस समय उनकी 1000 कथाएं पूरी हो चुकी हैं, है ना। और उनकी जब कथाएं होती हैं तो कम से कम 40,000-50,000 लोगों की संख्या कथा में रहती है हमेशा, और कहीं 1,500 लोगों की बात हो कथा करनी हो तो वहां जाते भी नहीं है कथा करने के लिए, व्यवस्था चाहिए होती। बड़े वक्ता इंटरनेशनल, देश विदेशों में हर जगह भागवत का उन्होंने खूब व्याख्यान किया हुआ है। तो उनके पुत्र हैं इंद्रेश ठाकुर जी। तो मैं कभी कभी विचार करता हूं कि भगवान की कृपा तो देखो कि इस व्यक्ति ने इतने बड़े भागवत कथावाचक के यहाँ जन्म लेने के लिए कितना बड़ा प्रारब्ध तैयार किया होगा अपना। और उनके पुत्र ने अभी 19-20 साल की उम्र में पहली कथा जगन्नाथ जी में की और दूसरी कथा सीधे यूएस में की है, सीधे विदेश में, सीधे यूएस में। आप सोचो तो सही, बिना भजन के, बिना प्रारब्ध के आपको एक इतने बड़े संत के यहां जन्म मिल जाए, हो ही नहीं सकता। अब भगवान ने करुणा कृपा की और अब की बार भी भजन नहीं किया तो जो ये मिला हुआ है ना, ये भी गया, ये भी गया भाई। ये तो यात्रा है, ये रुकने वाली नहीं है, अगली बार फिर आना पड़ेगा। हमें इसीलिए शास्त्र कह रहे कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम, भाई जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। भगवान गीता में कह रहे चक्कर छूटने वाला है नहीं, जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद दोबारा जन्म होगा, भले ही यातनाओं को भोगने के बाद होगा या स्वर्ग की यात्रा करके होगा, जैसी भी यात्रा करके होगा, पर होगा। ये आना जाना ही छूटने वाला है नहीं, और जब दोबारा आना ही है तो क्यों ना ऐसे सिद्ध संत के यहाँ आया जाए, ऐसे माहौल में आया जाए कि जहां भगवान का ही प्रचलन हो, जहां जन्म से ही ऐसा माहौल मिले, कोई कमी ही ना हो किसी भी प्रकार की, केवल भक्ति का माहौल मिल जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रारब्ध बनाना पड़ेगा ना भविष्य के लिए, तैयार भी तो करना पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। अब मेरे को बताना आप लोगों में से कितनी लोग तैयारी में हो गए, भाई अब की बार तो बस राम नाम होना चाहिए, ऐसे हैं किसी में तैयारी में? हमारे सतेंद्र भाई जी कह रहे थे कि माला के विषय में बताइए जी, मैं भी माला किया करूंगा, मुझे अच्छा लगा। भली भावना जागी, थोड़ी देर जागी, पर जागी तो सही। महाराज जी मुझे माला के विषय में बता करके जाना, क्या विधान है, कैसे करना है, कैसे कर सकते, मैं करूंगा। पहली बार बोला उन्होंने 7 साल बाद कि माला के विषय में बता के जाना, मैं करूंगा, तो मुझे अच्छा लगा। बंधुओं, ये भावना भी जग जाए ना कि मैं नाम लूंगा भगवान का, लिया नहीं है अभी,
लेकिन भावना भी जग जाए कि मैं ऐसा करूंगा, नाम लूंगा, धीरे 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 भगवान की कृपा अपने आप ही बन जाएगी और माहौल मिल जाएगा, बन जाएगा माहौल। लेकिन भावना जगे तो सही करूंगा, एक दृढ़ अंदर से संकल्प जागे तो कि मैं करूंगा। करने की बात बात में केवल संकल्प भी जगे तो भगवान हृदय में आना प्रारंभ हो जाते हैं। इसी से बोल भक्त वत्सल भगवान की। बंधुओं, पूतना पर भगवान ने कृपा की है। उसके बाद 6 महीने के थे तो सकट भंजन किया, 1 वर्ष के हुए तृणाव्रत का उद्धार किया। भगवान का नामकरण संस्कार होता है, बलराम जी का नामकरण संस्कार होता है। धीरे धीरे भगवान घुटनों के सहारे चलने लगे और 2.5 वर्ष की अवस्था में भगवान ने माखन चोरी लीला की। एक दिन भगवान ब्रह्मांड घाट में गए, वहां भगवान ने मिट्टी खाई। ब्रज रज की महत्व को बढ़ाया है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा की गोदी में थे तो माँ से भगवान ने पूछा, माँ तुझे ये दूध दही माखन मिश्री ज्यादा प्यारा लगता है कि अपना पूत ज्यादा प्यारा लगता है? माँ यशोदा ने कहा, लाला मुझे तो तू प्यारा है, दूध दही तेरे सामने क्या चीज है? भगवान खुश हो गए, मैया मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। और सामने कढ़ाई में दूध रखा हुआ था चूल्हे में और दूध उफनने लगा। उस उफनते हुए दूध को देख करके यशोदा जी ने भगवान को पकड़ा, नीचे पटक करके भाग गई। 4 वर्ष की भगवान की अवस्था थी, बड़ा क्रोध आया। अभी तो कह रही थी तेरे सामने दूध दही क्या चीज, गोदी में लेकर तो अपना दूध पिला रही थी, पटक करके छोड़। अतृप्त अवस्था में भगवान को क्रोध आया तो हाथ में एक डंडी ली, बाहर सासु माँ के जमाने की एक मटकी रखी हुई थी, मारी, एक फूट गई मटकी, मटकी फूटी, 40 शेर दही रखा हुआ था सब बिखर गया। भगवान बड़े घबराए, आ तो अपने घर की फोड़ दी मटकी, मैया बहुत मारेगी। तो एक ओखल रखी हुई थी सामने, उस ओखल में चढ़ करके बंदरों को आवाज लगाई। बंदरों ने मारा, सब साफ करना शुरू कर दिया। सब भगवान के पूर्व जन्म के मित्र हैं, बोलो जय श्री कृष्ण, एक आवाज में सब पहुंच जाते। बंधुओं, माँ यशोदा अंदर से आती है, दही बिखरी हुई देखी, श्रीमान जी ओखल के ऊपर चढ़े थे। भगवान को पकड़ करके और उसी ओखल से बांधना चाहा। अब विचार करना, जिन कन्हैया को, जिनको हम भगवान मान करके छोटे से आसन में बिठा करके छोटा सा तिलक लगा रहे हैं, जिनके गले में माला डाल रहे हैं, जिनकी छोटी छोटी उंगलियां हाथ छोटे से लग रहे हैं, गोदी में लेके घूम रहे हैं, ये भगवान इतने छोटे थोड़ी नहीं है। इन परमात्मा का ना आदि का पता है, न मध्य का पता है, न इनके अंत का पता है। वेद भगवान कह रहे नेति नेति, और जो वेद ने भगवान की महिमा गाई है, सहस्र शिरिखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठदशां गुलम्म, वेद भगवान की महिमा गा रहा है। सहस्र शिरिखा पुरुषः सहस्राक्षः, वो महापुरुष, वो विराट पुरुष, सहस्र शिरिखा सहस्राक्षः सहस्रपाद, बड़ी विशाल महिमा वेद भगवान गा रहे हैं। जैसे संपूर्ण महिमा गाने के बाद वेद भगवान कह रहे हैं नेति नेति, नहीं जाना जा सकता, नहीं जाना जा सकता। वैसी हमें विचार करना चाहिए, भगवान विराट है, विचार करना चाहिए। यहां तक कि ये जो पूरी सृष्टि दिखाई दे रही है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये भगवान का अंग ही है। 7 लोक नीचे के, अतल वितल सुतल रसातल महातल तलातल पातल, ऊपर के 7 लोक ये भगवान के शरीर के अंग हैं सब। हम लोग पृथ्वी में हैं, भगवान का पेट है, हम लोग सब भगवान के पेट में रहते हैं। मृत लोग बीच में है, ठीक ठीक मृत्यु लोग, इससे 7 लोग नीचे और 7 लोग ऊपर।
उस परमात्मा को रस्सी से बांधना चाहती हैं यशोदा जी। वो परब्रह्म बालक बनकर के आया यशोदा जी के यहां और यशोदा जी रस्सी से बांधना चाह रही हैं। तो भगवान बंधन में आया ही नहीं। 20 हाथ लंबी रस्सी अंदर से लेकर के आई, एक गांठ लगा रही थी कि वो रस्सी छोटी पड़ गई। गजब हो गया, 20 हाथ लंबी रस्सी ओखल के साथ बांध रहे भगवान को, रस्सी छोटी पड़ गई। अंदर गई, 10 हाथ लंबी रस्सी और लेके आई और जैसी उस रस्सी से जोड़ करके जैसी गांठ लगाना चाह रही, वो बंधन में नहीं आ रहे, वो गांठ लगी नहीं रही है, रस्सी छोटी पड़ रही 2 उंगल। और जब भी कम पड़ रही है तो 2 उंगल ही कम पड़ रही है। 5 हाथ लंबी रस्सी और लेके घर की सारी रस्सियां खत्म हो गई, वो बंधन में नहीं आ रहे। घंटा भर हो गया, मां यशोदा चारी बंध जाए ताकत लगा रही है, पसीना पसीना हो गया, ये बंधन में क्यों नहीं आ रहा, ये बंधता क्यों नहीं है। जिसके आदि अंत मध्य का पता नहीं, वो बंधन में कैसे आएगा। वो परमात्मा को कोई बांध पाया आज तक, कोई किसी में सामर्थ्य है कि जो उस परब्रह्म को रस्सियों से बांध ले, इतनी सामर्थ्य किस में ऐसा। लेकिन दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक तो ऐश्वर्य शक्ति भगवान की शक्ति है, लेकिन एक शक्ति है माधुर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति कहती है कि ये परब्रह्म परमात्मा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, इसको कोई बांध नहीं सकता है, ईश्वर है। लेकिन माधुर्य शक्ति कह रही है कि मेरा बेटा है, प्रेम प्रेम कह रहा है कि मेरा बेटा है। ये भगवान को भगवान नहीं मानती है। गजब की बात ये है कि भगवान को भगवान मानती ही नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान को क्या मानती है, अपना बेटा मान रही है, पुत्र मान रही है। तो ये पुत्र को बांधना चाहती है और वो ऐश्वर्य शक्ति झुक गई महाराज माधुर्य शक्ति के आगे। वो ऐश्वर्य झुक गया, अरे उसी परमात्मा ने ऊपर ब्रह्म ने जब माँ को देखा ना, यशोदा जी को प्रयत्न कर रही हैं बांधने का, पसीना पसीना हो चुकी है, बड़ा प्रयत्न कर रही हैं, तो स्वयं भगवान बंधन में आ गए, बंध गए। माँ यशोदा अंदर चली गई, 2 यमलार्जुन के विशाल वृक्ष खड़े थे आंगन में, उस ओखल के उन वृक्षों के बीच में फंसाया, झटका दिया, 2 विशाल पुरुष प्रकट होते हैं, सुंदर पुरुष उन वृक्षों से। भगवान ने पूछा कौन हो, 2 आत्माएं प्रकट हुई गजब की। भगवान ने पूछा कौन हो, कहते कुबेर के बेटे हैं मणिग्रीव और नलकुबर। वृक्ष क्यों बने हुए थे, बोले महाराज अपना प्रारब्ध खराब किया हमने। क्यों, ऐसा क्या किया, बोले एक बार तालाब में स्नान कर रहे थे, सामने से नारद जी जा रहे थे, हमने हंसकर उनको हंस करके देखा और प्रणाम भी नहीं किया। नारद जी को क्रोध आ गया कि तुम कुबेर के बेटे होकर के इतने नालायक, जाओ दोनों को श्राप देता हूँ, दोनों के दोनों राक्षस हो जाओ। रोने लगे महाराज, बढ़िया कुबेर के बेटे बने हुए थे, तुमने वृक्ष बना दिया, क्षमा करो क्षमा करो। तो नारद जी कहते जाओ वृक्ष तो बनना पड़ेगा, लेकिन द्वापर में जब कृष्ण अवतार होगा तो उनके द्वारा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। दोनों कहते महाराज नारद जी ने श्राप नहीं हमें वरदान ही दिया था, आज उनके प्रताप से आपके दर्शन हो रहे हैं, आपके द्वारा हमारा उद्धार हो रहा है। भगवान ने कहा 4 वर्ष की भगवान की अवस्था, भगवान कह रहे हैं मणिग्रीव नल कुबर से कुछ मांग लो, कोई इच्छा हो तुम्हारी। तो कहते महाराज हमारी एक इच्छा है, हमें आप वरदान दीजिए कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तो चकर्म सुमन स्तवपादयो नः। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, वाणी गुणानुकथने, हमारी इस वाणी से सदा आपकी कथाओं का गुणानुवाद निकलता रहे। वाणी की सार्थकता इसी में है कि
कि ये आपकी कथाओं का गुणानुवाद करे, आपका कथा कीर्तन गाया करे, आपकी महिमा गाया करे, आपका नाम लिया करे। मेंढक होता है ना, मेंढक मेंढक बरसात में ज्यादा होते जाते हैं, होते हैं यहाँ गाँव में भी होते हैं मेंढक। आप जब रात को सुनो ना, जब सन्नाटा रहता है रात को, अब बाहर पानी भरा रहता है चारों तरफ, तो मेंढक कैसे करते हैं पता? हाँ, सबको पता है, टर 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 ऐसी आवाज किया करे मेंढक। हाँ, अच्छा, उसका वो टर टराना किसी काम का है बताओ? वो मेंढक का टर टराना किसी काम का नहीं, टर टर लगा रहता है। हमारी वाणी न जाने क्या क्या बोलती है, क्या क्या नहीं बोलती दिन भर में, लेकिन वाणी की सार्थकता तब है जिसने ये वाणी दी है उसका नाम कभी मुख से निकले। वाणी की सार्थकता तब है जब उस हरि का कीर्तन हो। इस वाणी की सार्थकता तब है जब इस वाणी से उसका गायन हो। इसीलिए मैं कहा करता हूं, गाया करो। अरे कुछ नहीं तो हरि का नाम लिया करो, वाणी की सार्थकता है। कीर्तन की सामर्थ्यता देखो, जब हम कीर्तन करते हैं, कीर्तन करते करते वो भगवान का स्मरण भी चल रहा होता है, भगवान का गायन भी चल रहा होता है, और वो कीर्तन हमारे कानों में भी पड़ रहा होता है। जिस कीर्तन को हम गा रहे हैं उसका स्मरण भी चल रहा है, गायन भी हो रहा है, और हमारे कानों पे भी चल रहा है। एक ही कीर्तन से तीन तीन साधन सिद्ध होते हैं। तो वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथाया, इस वाणी की सार्थक यौंत प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसूप्तां संजीवयत्यखिल शक्ति धर सुधाम्नः। प्रहलाद जी भी जब स्तुति गाने लगे ना भगवान, ध्रुव जी स्तुति गाने लगे ना भगवान की, तो 5 वर्ष की अवस्था थी ध्रुव जी की। ध्रुव जी के गाल पे भगवान ने अपना शंख स्पर्श करवाया तो ध्रुव जी का पहला शब्द निकला, प्रभु यौंत प्रवीश मम वाच मिमां प्रसूप्तां। धन्य है प्रभु, आज मेरी वाणी सार्थक हो रही है, आज पहली बार मेरी वाणी सार्थक हो रही है। मैं आपकी स्तुति करने जा रहा हूं, आज मैं आपकी स्तुति गा रहा हूं, मेरी वाणी की सार्थकता है, अन्यथा आज तक मेरी वाणी सो रखी थी। इस वाणी से न जाने क्या क्या बोला, क्या क्या बोला, लेकिन सब व्यर्थ का, वो मेंढक की तरह व्यर्थ टर 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 आता रहा। बंधुओं, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, ये मांग रहे हैं कि हमारी वाणी से आपकी कथाओं का गुणानुवाद हो, इन कानों से आपकी कथाओं का क्या हो, श्रवण हो, और हस्तोच कर्म सुमनस्तवपादयोनः, ये हाथ सदा आपकी सेवा करे, हमारे पांव उस मार्ग पर जाएं जहां संतों ने हमें मार्ग दिया है। संत रूपी बोर्ड आपको कहीं ना कहीं खड़े मिलेंगे, वो तीर का निशान लेकर के खड़े हैं, इस मार्ग से नहीं, इस मार्ग से जाओ। आप यहाँ से जब ऋषिकेश हरिद्वार की ओर जाओगे या दिल्ली की ओर जाओगे ना, तो जगह जगह बोर्ड मिलेंगे, ऐसे तीर के निशान मिलेंगे, उससे सहूलियत मिल जाती है। अरे भैया ये रास्ता इधर जा रहा है, ये रास्ता इधर जा रहा है, तो संत रूपी बोर्ड आपको जगह जगह मिलेंगे, सावधान कर रहे हैं भैया ये मार्ग नहीं, इस मार्ग पे चलो, ये मार्ग गलत जा रहा है, इस मार्ग से जाओगे तो भटक जाओगे, फिर बहुत लंबा फेर करके आना पड़ेगा, इसलिए ये मार्ग सही है, इससे जाओ, बढ़िया ढंग से पहुंच जाओगे, सुगमता से, सरलता से। बोल भक्त वत्सल भगवान की। 4 वर्ष की अवस्था में जब नंद बाबा ने देखा कि भगवान ओखल से बंधे हुए हैं, दो विशाल वृक्षों के बीच में माँ यशोदा को डांट लगाई और यशोदा जी से और सबसे कहा कि अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। 4 वर्ष की अवस्था में भगवान
बलराम जी सहित नंद बाबा और समस्त गोकुलवासी गोकुल छोड़ करके वृंदावन चले आए। यहां से वृंदावन लीला प्रारंभ होती। चार वर्ष की अवस्था तक भगवान कहां रहे? गोकुल में। और चार वर्ष से लेकर के 11 वर्ष की उम्र तक भगवान वृंदावन में रहे। मतलब यहां भगवान 7 वर्ष रहे वृंदावन में और 4 वर्ष कहां रहे? भगवान गोकुल में। और उसके बाद 11 वर्ष से और 25 वर्ष तक भगवान कहां रहे? मथुरा में। 11 वर्ष से और 25 वर्ष की आयु तक भगवान रहे फिर मथुरा में। और उसके बाद भगवान 100 वर्ष रहे द्वारिका में। 25 वर्ष तक मथुरा में और 100 वर्ष की लीला भगवान ने कहां की? द्वारिका में, जहां भगवान ने विवाह किए, भगवान के पुत्र भी हुए, पुत्रों के भी पुत्र हुए, नाती पोते सब हुए भगवान के, है ना। जहां भगवान ने 16108 विवाह किए। तो कल भगवान के विवाह की भी चर्चा होनी है, तो कल सबको निमंत्रण है विवाह में, है ना। कल सब विवाह में जाएंगे। जैसे आप लोग देखते ना कार्ड आता है शादी का, खुश, हम भी जाएंगे भाई शादी, विवाह होगा हम भी जाएंगे। तो साधारण विवाह होते हैं, कल तो भगवान का विवाह है। तो जिसको ना भी पता होगा ना, उसको भी कहना, री बहन तुझे पता कल भगवान का विवाह है, हाँ तो ब्याह में चलना है। तो खूब आनंद के साथ कल तो हम भगवान का विवाह उत्सव मनाएंगे। और कल छठवां दिन है, परसों सातवां दिन सुदामा जी का प्रसंग इत्यादि करके, बस दो ही दिन की तो कथा है कल और परसों की। बताओ कब कथा प्रारंभ हुई और कब विरामता की ओर जा रही, पता ही नहीं लग रहा है। मात्र दो दिन बचे हुए कल और परसों का, है ना। तो जो आनंद यहाँ प्राप्त हो रहा है वो आनंद कहाँ रहता है इस समय? तो रजाई के अंदर खटिया में लेट करके खुराटे बजा करके सो रहे होते, लेकिन यहाँ प्राप्त हो रहा है, कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है, अपने लिए प्राप्त हो रहा है। इसलिए सत्संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और सत्संग आज इतना प्राप्त हुआ है, कल को बुद्धि शुद्ध होगी, इतना प्राप्त होगा और महाराज रस भरा है। मैं यकीन मानिए आप, इसमें बेरस नहीं है, ऐसा रस भरा हुआ है। इस रस का चस्का जब लग जाएगा, इस रस का जब क्या लग जाएगा? चस्का। जैसे हमें चस्का लग के ही होंगे ना, कई प्रकार के चस्के होते हैं। कईयों को पीने का चस्का लग जाता है, हमारा तो शाम को ना उसका मन भटकने लग जाता, कहीं मिली जाती पीने को। कईयों को कई प्रकार की व्यसनों का चस्का लग जाता है, कईयों का हुक्का पीने का चस्का लग जाता है, हमारा लाओ हुक्का, गड़गड़ 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 चस्के। एक बार राम नाम का चस्का लग जाए, उसमें संसार के अवगुणों में कोई रस है ही नहीं, लेकिन इसमें रस है। बोलो जय श्री कृष्ण, में रस है। हमारे महेंद्र भगत जी कह रहे थे कि गुरुजी दो लाइन भजन की मैं गाना चाहता हूँ, दो लाइन भजन की मैं गाना चाहता हूँ, मैं दो लाइन जरूर गाऊंगा, मुझे अच्छा लगता है। गांव का एक व्यक्ति भी उठ करके जब भजन के लिए आता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमेशा भगत जी आते हैं, अगर किसी और की भी इच्छा हो तो आओ, दो लाइन गाओ, है किसी की इच्छा बताओ। तरसीम जी गाएंगे, हाँ महेंद्र भगत जी गाएंगे, दो लाइन, दो लाइन, अच्छा लगता है मुझे, आपको भी अच्छा लगेगा। बोलो जय श्री कृष्ण, आओ, हाँ सब तालियों स्वागत। मैं तो एक दिन भगत जी को नहीं देखा कथा में, मेरा मन विचलित हो गया, मैंने कहा भगत जी कहाँ गए। दो लाइन आप बढ़िया सुनाएंगे सबको, अच्छा सा कीर्तन। हेलो, हेलो।